हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं कहाँ पे? नीम करौली। तो आज हम पूरी जर्नी आपको दिखाएंगे। हम दिल्ली से जा रहे हैं, ठीक है, एंड जाएंगे नीम करौली तक। तो आपको जितना हो सकता है हम पूरा डिस्कवर करके, जितना भी एरिया रहेगा, घूमने का रास्ता रहेगा, सब बताएंगे कि किस तरीके से हमने आपको एंजॉय किया। और आई होप आपको अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। ये वैसे मेरा पहला ब्लॉग है जो हम डालेंगे, ठीक है। छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज कर दीजिएगा क्योंकि पहला एक्सपीरियंस है। पता नहीं कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा, हमें नहीं पता, लेकिन एक स्टार्ट किया है तो होपफुली अच्छा लगेगा। तो अब हम कौन कौन जा रहे हैं? मैं सूरज, ये हमारे मामा है दिनेश, हाय बोलो। पीछे कौन मामा है? संजय मामा, हाय बोलो। और राजू दोस्त, कहना चाहोगे जर्नी के बारे में? फुल एंजॉय। यस, फुल। देख रहे हो सभी का जोश है। अभी हम निकले ना तो सभी का जोश है। अभी अब देखना आधे घंटे के बाद ना कि यहाँ पड़ा होगा, यहाँ पड़ा होगा, सारे सो रहे होंगे आराम से। अरे ड्राइवर साहब है हमारे, ये तो अभी आधे घंटा बोलेंगे लो जी गाड़ी चलाओ। तो ऐसी मौज मस्ती करते हुए जाएंगे। तो अभी आज क्या शनिवार है, इतवार 2 अक्टूबर की छुट्टी है, तो 3 दिन छुट्टी का एंजॉय करके देखते हैं क्या रहता है। और कोशिश करेंगे कि सारी चीज आपको बताते रहे। तो भाई अभी हमने बनाई है सीएनजी गाड़ी में, अब हम देखते हैं सीएनजी पूरी फुल हो गई है, अब हम निकल रहे हैं आगे के लिए। बहुत लेट हो गया है, आई गेस कितना टाइम हो गया? टाइम हो गया है 10:39 हो रहा है, लगता है रात कट जाएगी रास्ते में जाते जाते। अभी तो पहुंचे गाजियाबाद ही पहुंचे अभी तो, है ना? गाजियाबाद से निकले लाल कुआ। लाल कुआ कौनसी बार जा रहे हो? ये भी सेकंड बार जा रहे हैं। अच्छा, ये और हमारे मित्र हैं, मैं पहली बार जा रहा हूँ। रंजीत मित्र हमारे पार्टनर, हमारे धड़कन, हमारे सब कुछ, ये आज पहली बार जा रहे हैं। नीलकंठ है ये, खूब मचा दूंगा। और मैं तो बहुत बार गया हूँ, मुझे नहीं पता मैं कितनी बार गया हूँ। वैसे मोदी जी ने रास्ते कितने बढ़िया कर दिया है ना, एकदम तारीफ करनी चाहिए कुछ। मोदी जी की तारीफ बनती है वैसे, है ना? बनती है क्या कहते हैं? और गाड़ी चला रहे हो? मजा आ रहा है गाड़ी चलाते हैं। ये डिस्टर्ब हो जाता है, हमारे ड्राइवर ऐसे डिस्टर्ब हो जाते हैं, बताओ। एकदम रोड ऐसे बढ़िया हो गए हैं, अब जहाँ हम 4 घंटे पहुंचते अब 2 घंटे पहुंच जाते हैं, मतलब 50% टाइम रिड्यूस कर दिया। ये हमारे सर्वीले दोस्त
हाँ भाई क्या कह रहे हो बताओ। अब मेरे को नींद आ रही है। तुम्हें नींद आ रही है ड्राइवर को? अच्छा चलो भाई अब क्या करेंगे हम, अब हम अपनी पोजीशन संभालते हुए। ड्राइवर अब चेंज हो गया है, साइड में लगाना कहीं पे, फिर हम करते हैं चेंज। अभी साइड एक ड्राइवर जब में है वो सो रहा है, एक ड्राइवर ही है जो मजे ले रहे हैं रिजर्व में, रिजर्व में। एक साइकिल भी चलाना नहीं जानते हैं। ये साइकिल भी चलाना नहीं जानते हैं। हाँ तो भैया ड्राइवर की सीट छोड़ दे अन्यथा आपके बोल। ये देखिए नींद, नींद आंखों में देखो नींद भरी पड़ी है पूरी अच्छी तरीके से। जिसको नींद आती है वो गाड़ी नहीं चलाता है तेज। ये देखो जोश में आ रहे हैं, देखो भी जोश में आ रहे हैं, देखो नहीं भाई नींद लग गई। लगा लो लगा लो साइड में लगा लो लगा लो लगा लो भाभी चल ना नींद लग गई है। अभी थोड़ी देर पहले का मैसेज था, किसी को वीडियो मैसेज तो नहीं भेज रहे हो? मुझे ऑनलाइन देखती है तो सोचती है चैटिंग वीडियो। तेरा दिमाग खराब है नहीं तुम्हारी आगे भरी पड़ी है मुझे लग रहा है। गाड़ी होना चलते तो नींद आती है। ये देखो आप देख रहा है स्पीड से गाड़ी लेके जा रहे हैं। लेटेस्ट स्मार्टफोन्स पर बड़ी डील्स, 40% तक की छूट लेटेस्ट स्मार्टफोन। अभी हम है रामपुर में, अभी हम आपको दिखाएंगे एक रामपुर की पहचान। ये है यहाँ पे रामपुर, देखो फोटो खींच रहे हैं, ये फोटो खींच रहे हैं और क्या देख रहे हैं हम, रामपुर का चाकू। अरे थोड़ा दूर से आएगा लग रहा है, आ नहीं रहा है। देखो रामपुर का चाकू, जैसे बोलते ना हर एक एरिया में एक चीज फेमस होती है तो रामपुर का चाकू फेमस है। देख लो भैया एकदम मस्त बना हुआ रामपुर की पहचान।
तो दोस्तों हम दर्शन करके नीम परोली बाबा के निकलते हैं मुक्तेश्वर धाम, जहाँ पे कि बताया जाता है शिव जी का बहुत ही सुंदर और बेहतरीन नज़ारों से घिरा हुआ मंदिर है। तो हम अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं मुक्तेश्वर धाम। जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी बहुत कंजेस्टेड रोड है और हम आराम से धीरे धीरे जा रहे हैं। मैं सभी से यही बोलना चाहूँगा कि जो भी पहाड़ों में आते हैं कृपया जब भी गाड़ी चलाएं तो अपना हाथ पे रहें एंड कोई हड़बड़ी ना करें कि किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो। आप घूमने फिरने जाते हैं तो इन्जॉय करें, आराम से ड्राइव करें, सेफ ड्राइव करें। और नीम करौली बाबा में हम रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर पाए कि वहाँ पे मना कर दिया गया था कि फ़ोन अलाउड नहीं है अंदर लेके जाना। एंड सबसे बड़ी बात, देखो सम्मान करना चाहिए जो भी वो बोलते हैं, उनकी जो भी रूल और रेगुलेशन हम सभी को फॉलो करना चाहिए। हम घूमने जाते हैं, दर्शन करने आते हैं, तो मतलब कुछ लोग थे जो वहाँ पे कुछ मतलब चोरी छुपके वीडियो बना रहे थे, लेकिन जो कि अच्छा नहीं था क्योंकि फिर उनको फिर सबके सामने मतलब अच्छा बुरा बोलना ये चीज़ें शोभा नहीं थी। हम लोग जा रहे हैं अच्छे दर्शन करने जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें गलत होती हैं। तो जो भी आगे जाए आप लोग कोई दर्शन करने जाएँ तो कृपया फ़ोन का यूज़ ना करें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा और आपको भी बुरा नहीं लगेगा और उनके लिए भी बेटर रहेगा, हम सभी के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत अच्छे नज़ारे जाते हुए मुक्तेश्वर धाम। किसी ने बताया था, हमने यहाँ लोकल से किसी से पूछा था तो बताया कि बहुत ज़्यादा ऊंची हाइट पर है एंड बहुत खूबसूरत फॉरेस्ट।
तो दोस्तों बहुत लंबी मशक्कत के बाद अब हम पहुंच गए हैं मुक्तेश्वर धाम शिव जी के मंदिर में। जैसा कि हम वहां से निकले थे बहुत अर्ली अराउंड 3 बजे 4 बजे के आसपास, और अभी हम बहुत शाम हो चुके हैं पहुंचते, तो अभी हमने गाड़ी अपनी पार कर दी है एंड हम चल रहे हैं ऊपर मंदिर पे, जो कि लगभग हमें 100-125 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना है, और हम ऐसे धीरे धीरे चलते रहेंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, आप जैसे कि सभी लोगों को देख रहे हैं, सब आराम आराम से धीरे धीरे जा रहे हैं। सीढ़ी होने की वजह से थोड़ी मतलब सांस भी फूल रही है सभी की यहाँ पे, और बहुत हाइट पे भी है तो मे भी शायद उसका भी इफेक्ट है। और सबसे बड़ी बात, हम पूरी रात भर ड्राइव किया है और फिर मतलब पूरा दिन हो गया आज, तो वो भी एक टायर्डनेस है जिसकी वजह से मतलब पूरी बॉडी थकी हुई है एंड सीढ़ी चढ़ने में मेरे को तो बहुत दिक्कत हो रही है। ये हमारे आगे मामा जी जा रहे हैं घुटने पकड़ पकड़ के और आगे दूसरे छोटे मामा जा रहे हैं, और ये हमारे फूफा जी साथ में आगे के चल रहे हैं फोन पे बात करते हुए, ये भी बहुत थक गए हैं। अभी तो सबके सब सोते हुए आए थे आराम आराम से भाई साहब, मतलब इनके सही है, बेचारा जो ड्राइव करता है उसकी तो बैंड बज जाती है। और देखो कैसे जा रहे हैं, आसपास देखो आप कितनी ग्रीनरी है, और आगे अगर राइट साइड में देखते हो तो आपको हिमालय दिखता है, जिसमें कि अभी हमने देखा था पीछे से तो मतलब बर्फीले पहाड़ दिख रहे थे जिसकी वजह से ठंड बहुत लग रही थी। और ये सारा जो आप देख रहे हैं सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा ठंडी हैं, पैर मतलब ठंड लग रही थी। और यहाँ लेडीज को देखो आराम से सिंगल टॉप में आई है, और भाई साहब इनको तो ठंड नहीं लगती, और हमें तो ऐसा लग रहा है हमें तो भाई स्वेटर जैकेट कुछ पहन के आना चाहिए था, लेकिन बहुत ठंड है यहाँ पे, और मुझे लग रहा है शाम को और भी ज़्यादा ठंड हो जाएगी शायद। चलते हैं देखते हैं दर्शन करते हैं।